मोहम्मद सलीम ARTO किश्तवाड़। बताना चाहता हूँ कि कुछ मीडिया में थोड़ी न्यूज़ जो है वो गलत फैलाई जा रही है, तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारे पास जो है 56 सर्विस जो है वो ऑनलाइन है, जो हमने लोगों को प्रोवाइड करनी है, जिसमें लाइसेंस है, फिटनेस है, ड्राइविंग लाइसेंस है, ट्रांसफ़र ऑफ व्हीकल है, लर्नर लाइसेंस है, और किस्म की परमिट है, और किस्म की बड़ी सर्विसें हैं जो हमें, जो सर्विस गारंटी एक्ट में आती हैं, जो हमें टाइम फिक्स है वो हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है पब्लिक को। तो हमें अपना दफ्तर भी देखना है, लेकिन उसके बावजूद हमने जो कार्रवाई जो आज तक हम करते आए हैं, हम डेली हम कोई ऐसी कोई हमें नाका नहीं होता है जब तक हम चेकिंग नहीं करते हैं। हाँ, ये दूर दराज लोग रोज़ दूर दराज इलाकों में हम जाते रहते हैं, लेकिन जो रोज़ नहीं जा पाते हैं, क्योंकि हमारे इतने रूट हैं, दो आदमी हैं काम करने वाले, और उसकी वजह से हम दूर दराज इलाकों में ज़्यादा नहीं जा पाते हैं। और कल का जहाँ का मतलब है कि कल जो एक्सीडेंट हुआ है वो एक वो एरिया था जहाँ बर्फ़ इतनी थी कि वो लोगों को भी सोचना है कि भाई इस एरिया में बस या जो गाड़ी पैसेंजर गाड़ी ना चलाएं, और उसकी जो गाड़ी जहाँ गई है वो कच्चा रोड है और वो रोड पास भी नहीं है, तो उसकी वजह से उनको भी सोचना चाहिए ये कि उस इलाके में ना जाएं। तो हमने आपको मैं बता दूँ जनरल पब्लिक की ना जानकारी के लिए, जो लोग अफवाह फैला रहे हैं, उनके कुछ लोग जो हैं वो उनके काम जो हैं वो इलीगल काम बताते हैं जो होते नहीं हैं हमारे पास, तो वो इस तरह की न्यूज़ फैलाते हैं। और हमारा जो है वो अभी तक मैं आपको बता दूं, मैंने 1 मई को ज्वाइन किया था, 1 मई अप्रैल से लेके हमारे पास जो हैं अभी तक जो हैं हमने टोटल जो ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम किए हैं 43 किए हैं, जो लोगों को हमने जगह जगह हमने प्रोवाइड किए हैं, और जनरल अवेयरनेस प्रोग्राम 115 हमने किए हैं। लोगों को जो लोग हमारे पास इकट्ठे होते हैं, जब हम बुलाते हैं उनको, तो हम उनको बताते हैं कि आप ओवरलोड गाड़ी में ना बैठो, आप कहीं मोबाइल यूज़ कर रहा है उस मोबाइल यूज़ ना करें, सीट बेल्ट लगाएं, हेलमेट लगाएं, और तेज़ गाड़ी ना चलाएं। तो जिसमें हमने 6 मेडिकल चेकअप भी कैंप जो हमने जगह जगह लगाए हैं, जिसमें द्रवशाला है, डंगडोरू है, पाउडर का हम अभी लगा रहे हैं, 2-3 दिन में लग जाएगा, और छात्रु है जिसमें आम कंपनियां हैं, कीरू है, अफगान है, तो और किश्तवाड़ में हमने 3 कैंप लगाए हैं। तो उसकी वजह से हमें साथ में हमारी चलानिंग जो है वो हर महीने की जो है चलानिंग होती रहती है। चलानिंग में हम वो नहीं करते हैं कि चेकिंग में कोई भी हम कोई लापरवाही नहीं बरतते हैं, जिसमें इस महीने हमने 312 चलान जो है वो किए हैं, और हमारे आज तक जो 1799 चलान हमने किए हैं, जो जिसका रेवेन्यू जो है वो 47,43,000 हमने रेवेन्यू जो है वो फाइन का हमने आज तक गवर्नमेंट के खाते में डाला है, क्योंकि ये चलान अगर नहीं होते तो ये रेवेन्यू कहाँ से आता। इस महीने जो हमने किया हुआ है, ये जो रोड सेफ्टी का जो मंथ चल रहा है, इस महीने में भी हमने 7,76,000 जो फाइन किया है, और इसके अलावा हमने जो लाइसेंस सस्पेंड किए हैं 69 को हमने जो है वो नोटिस दिए हैं, 48 जो हैं वो सस्पेंड किए गए हैं, और RC जो सस्पेंड की है 35 को हमने नोटिस दिए हैं, और 20 सस्पेंड की गई है। नोटिस परमिट जो हमने 34 को नोटिस दिया है, और 21 हमने सस्पेंड कर दिए हैं, और हमने 8 रोड सेफ्टी मीटिंग भी जो जिसके चेयरमैन डिप्टी कमिश्नर साहब हैं उनके अध्यक्षता में हमने 8 रोड सेफ्टी मीटिंग भी की है, जिसका मतलब हमारा एक छोटा सा दफ्तर है जिसमें इसकी इतनी कमी है, स्टाफ की इतनी कमी है कि हम फिर भी अपना काम जो है वो रोज़तर्रा की तरह चला रहे हैं। और हमें अफसोस है कि ये एक्सीडेंट हुआ, लोगों की जान गई है उसमें, ये नहीं होना चाहिए था। हम इसमें और मेहनत करेंगे, और हम इस तरह की कार्रवाइयाँ जो हैं कैंप लगाएंगे जहाँ दूर दूर दराज इलाकों में, और इनकी जो ये जो लोग लापरवाही बरत रहे हैं जो इनके खिलाफ़ कार्रवाई हम जरूर करेंगे,
और हमारा ये सिलसिला कंटिन्यू रहेगा। तो हमें लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप भी, आपको भी लगता है कि ओवरलोड गाड़ी है, हमें फ़ोटो भेजें उसका, हम कोई मोबाइल यूज़ कर रहा है उसका फ़ोटो भेजें, हमें गाड़ी का नंबर लिख के भेजें, हम उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। और लोगों को, जब तक लोग अवेयर नहीं होंगे ओवरलोडिंग रोकने में, तो तब तक हम भी कुछ नहीं कर सकते, जब तक है ना चला नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब हमारा जो सिस्टम है, हम लोगों को अभी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ओवरलोड गाड़ी में ना बैठें, और बाकियों को भी बताएं कि ओवरलोड गाड़ी में नहीं बैठें। थैंक यू।